सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी अजय कुमार। अजय जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं मलोट पंजाब जिला मुक्तसर साहिब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? जी संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 11 जुलाई 2014 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते थे। मंदिर गुरुद्वारे जहाँ भी आस्था सभी जगह मेरी आस्था थी जी। मैं भगवान को ढूंढने के लिए सभी जगह जाता था, पर लाभ हानि का मेरे को इस बारे में पता नहीं था भाई। यहाँ पे जैसे 1 रुपया दान किया और 100 की मैं आशा रखता था जी। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आना हुआ जी, एक बार मेरे भाई की डेथ हो गई थी और वो अस्पताल में थे। अस्पताल से हम जब उसकी लाश को घर पर लेकर आए तो मेरी पत्नी को बोलने लगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, कि आपने जो क्रिया करनी है वो कर लो आप और मेरे को मत उठाना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को परेशान मत करना। तो मेरी पत्नी बोलने लगी कोई बात नहीं, आप आराम कर लो और जो कुछ हमने करना हम कर लेंगे। तो इतने में मेरे को नींद आ गई बहुत गहरी, मैं थका हुआ था। तो रात में मैं क्या देखता हूँ सपने में कि एक बहुत बड़ा सिंहासन ऊपर से आ रहा है, बहुत ही तेज में और बहुत ही सफ़ेद था वो। उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता भाई किस रंग का था, जिसे सोने कैसे रंग का था, पर उससे भी ज़्यादा तेज था। तो उस पर एक महापुरुष बैठे थे, उसने लाल रंग की पगड़ी और एक ऐनक लगा रखी थी और वो धीरे 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 वो नीचे आ रहा था और उस सिंहासन के पास में एक महापुरुष उनके साथ खड़ा था। तो जैसे ही वो और ज़्यादा नीचे आने लगे तो मेरी आत्मा जैसे चारपाई से उठी और अपने आप मेरे हाथ जुड़ गए ऐसे, और मैं पूछने लगा जी कौन हो जी आप जो यहाँ पे आ रहे हो? तो जो सिंहासन के पास जो महापुरुष जी खड़े थे वो बोलने लगे कि ये कबीर साहब हैं। मैं हंसने लग गया अपनी मन बुद्धि के कारण कि आप इसको कबीर साहब बोल रहे हो? कहते जी हाँ ये कबीर साहब हैं। मैं कहा नहीं, कबीर साहब मैंने देखे हुए, मैंने उसकी फ़ोटो भी देखी हुई है। तो उनके सर में टोपी लगी हुई है, उनके दाढ़ी है, उनके हार डाला हुआ है और ये कबीर साहब नहीं हो सकते। कहते नहीं ये कबीर साहब ही हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ से पूछूँगा इस बारे में। वो बोलने लगे कोई बात नहीं, आप अपनी शंका का समाधान कर लो फिर आ जाना। और जो महापुरुष बैठे थे वो थोड़ा थोड़ा मुस्कराए थे, उनके बहुत तेज था। तो इतने में जैसे मेरे हाथ जोड़े तो अंतर ध्यान हो गए वो, तो सामने देखा तो मैंने मेरी जाग खुल गई थी और मैंने देखा सामने पूर्णमासी का बहुत बड़ा चांद था और मैंने उनको नमस्कार किया। मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो घड़ी में 4:15 बज रहे थे और आवाज़ें आ रही थी रोने धोने की हमारे घर में। तो मैंने सोचा भाई अब बताना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि ये अपने हालात में नहीं है। फिर उसके बाद मैं जागता रहा और सोचता रहा, तो जैसे ही मेरे भाई के दाग जैसे लगाया, मैंने कि कोई बात नहीं दाग लग जाने दो फिर उसके बाद बात करेंगे माँ से, जैसे ही दाग लगाया और थोड़ी जैसे शांति का माहौल हुआ तो मैंने मेरी माँ से बात की। दरी पे बैठे थे सभी घर वाले भी, मैंने कि माँ ऐसे ऐसे बातें मेरे को दिखाई दिए थे, एक महापुरुष रात में सिंहासन पे आ रहे थे और साथ में एक महापुरुष और खड़े थे और मैं वो बोल रहे थे कबीर साहब आए हुए हैं। मैं बोला ये कबीर साहब ऐसे नहीं हो सकते, उनकी वेशभूषा मैंने देखी हुई है। तो वो बोलने लगे कोई बात नहीं, मैंने बोला भाई अब मैं अपनी माँ से पूछूंगा। वो बोलने लगे कोई बात नहीं, आप अपनी शंका का समाधान कर लो फिर आ जाना। तो मैं कहा माँ वो कौन है ऐसे ऐसे मेरे को दिखाई दिए? तो माँ मेरी माँ बोली कि ऐसा लगता जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए हूँ। मैं बोला संत रामपाल जी महाराज ये कौन है? संत रामपाल जी महाराज बोलने लगी ये हरियाणा में है, इनके आश्रम है, इनकी गद्दी चली हुई है और इनका वहाँ पे डेरा है। मैं बोलने लगा मेरी माँ के हाथ को पकड़ कर माँ मेरे को वहाँ पे ले चलो, ऐसा लगता जैसे वो मेरे को कुछ कहना चाहते हों, आप मेरे को प्लीज़ वहाँ पे जल्दी से जल्दी ले चलो। वो कहने लगी कोई बात नहीं, एक बार तेरे भाई का पाठ का भोग करा लें फिर चलेंगे, हम भी तेरे साथ चलेंगे, कोई बात नहीं अगर तेरी आस्था बन रही है तो। तो हम जैसे ही ये बातें कर रहे थे इसी दौरान एक भगतमती उसी दरी पे
और दुख सुख करने के लिए आ गई हमारे वहाँ पे, और वो बताने लगी कि मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है, और मैं जैसे ही गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रखा तो मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया, बहुत ही पावरफुल हो गया और मेरे को बहुत आराम मिला है। मैं पूछने लगा है आंटी जी आप किसके बारे में बात कर रहे हो, कहते संत रामपाल जी महाराज के बारे में बात कर रही हूँ। मैं कह जी मेरे को भी महापुरुष रात में दिखाई दिए। वो कहने लगे कोई बात नहीं आप सत्संग देखा करो, आप पे तो बहुत दया हुई है आपको दर्शन हुए तो। मैं बोला कब आएगा सत्संग, वो बोली 7:40 से लेके साधना टीवी पर और 8:40 पर उसका सत्संग आता हमारे गुरुजी का और आप देखना। तो इतने में मेरे को जो मेरी आशा बढ़ती रही कि मैं एक बार वो सत्संग देखूँ घर पे जाके, तो उसी दौरान मैं हमारी बातें ख़त्म होने के बाद मैं जुआ खेलने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी थी जुआ सट्टा लगाने की, और कई नशे भी मैं करता था जैसे तंबाकू या शराब वगैरह मैं पीता था। तो सभी वेव थे मेरे भाई की दरी को मैं छोड़ के और मैं जुआ खेलने के लिए चला गया, मेरे को इतना ज्ञान था पहले। तो उसी दौरान जैसे ही शाम हुई और मैं सत्संग देखने के लिए अपने घर पे बैठा, अपने बेड पे बैठ गया और सामने टीवी लगा लिया 6 बजे ही। मेरे को पता था भी इतने बजे सत्संग आएगा, तो मैं उड़ीक करने लगा, मेरी आशा बढ़ने लगी कि मैं कब आए सत्संग कब आए। जैसे ही सत्संग आया तो मैंने देखा वहाँ पे कि वही महापुरुष बैठे हैं, मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा ये तो वही महापुरुष जो मेरे को रात में दिखाई दिए थे। हे गुरुजी, वो साथ में जो थे वो भी बता रहे थे कि ये कबीर साहब है, और गुरु उस महापुरुष ने कबीर सागर खोल रखा था, उसमें बता रखा था कि मैं कलयुग में आऊँगा और 13वें पंथ में मैं आऊँगा। तो मैंने देखा तो मेरे पैरों की जमीन खिसक गई, और ये वही महापुरुष उसी तरह ऐनक लगा रखी थी जी, मेरे पे रहा नहीं गया। मेरे कंबल लग गए, मैंने कहा मैं क्या करूँ अब, मैं मेरे को कोई वहाँ पे ले जाए। इसी दौरान बाकी की मेरे को सत्संग की समझ नहीं लगी, बस मैं उनके चेहरे को देखता रहा। उसी दौरान जैसे सत्संग ख़त्म होया मैं फिर जुआ खेलने के लिए चला गया। जुआ खेलने के बाद मैं फिर वहाँ से जीत के आया कुछ पैसे, और मैं दूसरे दिन जैसे मैंने सत्संग देखा तो मैं गुरुजी को दिखा रहा था, गुरुजी मैं 900 रुपये जीत कर ले कर आया हूँ, ये 900 रुपये आप इसको उठने मत देना, मैं आपके आश्रम में आऊँगा। मैंने वहाँ पे कपड़े के नीचे रख दिए, मैं कि गुरुजी ये आपके लिए है, मैं वहाँ पे आऊँगा आपके आश्रम में, और आप इनको सांभ रखना भाई, ये चोरी ना हो जाए, भाई मेरे को बुलाना ज़रूर आप। तो उसी दौरान फिर मेरी तैयारी हो गई, जैसे 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 हम बरवाड़ा आश्रम में वहाँ के तरफ गए, गाड़ी में चले गए, और रास्ते में ही जो मैंने तंबाकू की जो मेरी पुड़ी थी, मैं तंबाकू सेवन करता था, इसी दौरान में जब मैं रास्ते में, तो मैंने तंबाकू की पुड़ी जो वो फेंक दी और मैंने प्रण ले लिया कि गुरुजी आज के बाद मैं कभी तंबाकू सेवन नहीं करूँगा। जैसे ही मैं आश्रम के अंदर गया तो मेरे को बहुत शांति महसूस हुई, मेरे को भूख लग रही थी, और मैंने जाते ही वो भंडारा किया वहाँ पे, और भंडारा करने के बाद बिना सोचे समझे और मैंने अपना फार्म भरा लिया वहाँ पे और नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा के बाद जैसे ही मैं सत्संग सुनने के लिए वहाँ पे गया तो सत्संग का समय हो गया था, लिखा हुआ था कि जो पहली बार आए हैं यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं वहाँ पे बैठ गया। तो गुरुजी के सत्संग की तो मेरे को कुछ समझ नहीं लगी, मेरे को नींद आ रही थी, और सेवादार जो वहाँ का था वो मेरे को बार बार उठा रहा था। तो इसी अचानक जैसे नींद में, और एक है ना जैसे सत्संग ख़त्म हो गया और एक लाइन लगी, मैं सोचने लगा इनको क्या हो गया, एकदम ही लाइन लगी है। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कि भाई साहब ये लाइन क्यों लगी है, वो कहने लगे ये लाइन गुरुजी के दर्शनों के लिए लगी है, जो भी दर्शन करने के लिए गुरुजी के जाते हैं तो उनके रोग निरोग हो जाते हैं, उनके सब बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, और बहुत भाई लाभ प्राप्त होता है। मैं बोलने लगा मैं भी लग जाऊं, वो बोलने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं लग सकते आप, लग जाओ। मैं भी जैसे सबसे पीछे मैं लग गया, तो बहुत समय के बाद जैसे मेरा नंबर आया, पर मैंने जैसे सर नीचे किया तो
मेरे एक पहले बहुत बीमारी होती थी माइग्रेन जैसी, मैंने घर पे नहीं बताई थी। तो मेरे सर में, सारे सर में जैसे चबके मारते थे, मैं चलता चलता रुक जाता था, हर समय बीपी लो रहता था, ये सारे मेरे चेहरे पे छाइयाँ थी। और ये जो मेरा ये हिस्सा, ये इसमें पैरालिसिस वगैरह सुन रहता था ये। और पेट में करीबन 9 पत्थरियाँ थी मेरे 6 mm की, जो मेरे को हर वक्त परेशान करती थी। पर डर के मारे मैं घर पे बताता नहीं था अपनी पत्नी को, कहीं ये कोई दिल पे ना रख ले। तो मैं जितनी भी मेरी औकात थी 50-100 रुपए की दवाई ले लेता गुप्ती, और मैं अपना इलाज, दर्द गायब हो ना हो, बस एक मन में तसल्ली बनी रहती कि मैंने दवाई ले ली, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मैं लाइन में गया, गुरुजी के दर्शन हुए, जैसे ही गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद और मैं जैसे भंडार घर में आया, तो मेरी वो अचानक बीमारियां जो थी वो दूर हो गई, वो दर्द था जो वो दूर हो गया, और इतना हल्कापन हो गया मेरे शरीर में। मैं सोचने लगा ये क्या हुआ मेरे साथ, तो मैं बोलने लगा गुरुजी की कृपा हो गई है। जैसे ही गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और जैसे उस भाई ने बताया था वैसे ही हुआ मेरे साथ। फिर मेरे मन में अंदर पाप आ गया, नहीं नहीं एक दो दिन के लिए ठीक भी हो जाता था, ऐसी कोई बात नहीं, मज़ा तो तब आएगा जब पता लगेगा भाई 3-4 दिन बीत जाएंगे या एक सप्ताह बीत जाएगा, महीना बीत जाएगा। तो मैं इस पाप को लिए मैं अपने घर पर चला गया, तो मैंने जाके देखा भाई दर्द नहीं हो रहा। तो मेरे अंदर एक अजब सी फील हुई, बहुत अड़कापन महसूस हो रहा था, कि मेरे अंदर दृढ़ता बढ़ती जा रही थी गुरुजी के प्रति, कि मैं इसको भी बोलूँ भाई तू भी चल मेरे साथ, भाई तू भी चल मेरे साथ, देख मैं ठीक हो गया, तू भी चल, तू भी ठीक हो जाएगा। इसी दौरान भगत जी भाई बरवाड़ा कांड हो गया वहाँ पे, और वो पुलिस वाले थे जो सभी दारू पी रहे थे वहाँ पे, तो उसने फिर उसके बाद हमको बहुत मारा वहाँ पे सुबह, फिर हमको सारा दिन भूखा रखा उन्होंने। भूखा रखने के बाद फिर हमको जेल ले गए, जेल ले जाकर हमको वहाँ पे भी बहुत मारा जी, बहुत अत्याचार किए, कभी भी निकाल कर कभी भी मार देते जी वहाँ पे। जब घर में मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी पीछे से कि मेरी पत्नी दुखी थी, वो बोल रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, जेल में चला जाता है, जेल में चला गया और अंडरग्राउंड क्यों नहीं निकलता है भाई, इसकी बुद्धि मारी गई है, एक संत के लिए ये जेल में बैठा है, ये क्यों नहीं बाहर आता है। तो इतने में मैं बहुत दुखी था, मिलने के लिए आती भी थी मेरे से मिलाई के दौरान, तो बहुत मेरे से रूठी हुई थी, कहती मैं आत्महत्या कर लूँगी, नदी में छलांग लगा दूंगी, ऐसा ऐसा मेरे से बोलती थी। इसी दौरान मेरे को गुरुजी दिखाई दिए रात में, संत रामपाल जी महाराज सपने में, तो कहने लगे बेटा तू दुखी मत हो, मैं सब जानता हूँ तेरी चिंता, और तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ परमात्मा क्यों चिंता व्यर्थ की करता है। कहता तू घबरा मत, तेरे अकाउंट में मैंने रुपये पुआ दिए हैं, ऐसा बोला था, तेरे अकाउंट में मैंने पैसे पुआ दिए हैं, और तू भी रख ले, और चिंता मत कर, तू बेसहारा नहीं है, और ये ले। मेरे को 900 रुपये दिए गुरुजी ने बोला, और सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी कोठी थी, वो बोलने लगे कोई बात नहीं अंदर से मैं तेरे को और ला के देता हूँ, तू भी अपने खर्चे के लिए रख ले। तो जैसे ही मैं सुबह उठा और सभी जो मेरे भगत भाई थे वो सोए पड़े थे, वो उठे तो उन्होंने, मैंने उनको बताया भाई रात को ऐसे ऐसे गुरुजी दिखाई दिए, बोलने लगे क्या हुआ, कहने लगे भाई तेरे अकाउंट में पैसे पा दे। कहते अब की बार तेरी भगतमती आए ना मिलाई के लिए या कोई और आए तो पूछना भाई तेरे असलियत में तेरे अकाउंट में पैसे गए हैं। तो जैसे ही मिलाई आई, मेरी पत्नी आई, तो मैंने उनसे पूछा एक बात बता, तो वो खुश थी, पहले नाराज होकर आती थी मिलाई के दौरान, उस समय खुश थी। मैंने कहा तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है, बोलने लगी मैं क्या कोई अकाउंट में पैसे पूछे आए, कहती हाँ आए हैं। तो इतना सुनने के बाद भगत जी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और मैं वहाँ से टेलीफोन रख के और मैं भागा आया, और मैंने सभी को गले से लगा लिया, मैं बोला संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सच में अकाउंट में मेरे पैसे आ गए हैं, और पर मैंने इतना नहीं बताया था कितने आए हैं। और उसी दौरान सभी भाई भगत मेरे साथ में चिपक गए और बोलने लगे जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो फिर मेरी जेल जाने के बाद, फिर 6.5 महीने के बाद मेरी जमानत हुई, फिर मैं घर पर आया। घर पर आने के बाद जैसे ही जो मेरी पत्नी थी वो अपने माँ के घर पर रहती थी, और माँ के घर पर रहने के बाद वो बोलने लगी कि
हम अपना कमरा ले लेते हैं। जैसे हमने रेंट पे कमरा लिया और उसके बाद वो जो वहाँ पे रहता था, 2 महीने बीत गए हमको, तो ज़्यादा ही वो तंग परेशान करता था जो वहाँ का मालिक था, शराब पीकर बहुत परेशान करता था। मैं बोला यहाँ से तो मकान खाली करना पड़ेगा, हमारी यहाँ पर नहीं सरेगी, क्योंकि हमारे परमात्मा की जोत लगती है यहाँ पर, और नशा ना ही चलता और ना ही वो गाली गलोच वगैरह करता था, बहुत ज़्यादा करता था। तो मैंने इसी दौरान मैं सोच लिया था मैं कि मैं आज या सुबह इसका मकान खाली कर दूँगा। तो मेरी पत्नी जो कहने लगी, आप पैसा कहाँ से लाओगे? तो मैं कहा कोई बात नहीं, परमात्मा करेंगे सब कुछ, संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने उसको एक बुक दे दी जो बैंक की थी। मैंने बोला आप इसको एंट्री करा लाओ, क्या पता परमात्मा ने दया कर दी हो। तो बोलने लगी क्या बेवकूफ़ समझ रखा मेरे को आपने, ये थोड़ी भी एक बार आपके चल ठीक है भाई 20,000 आ गए, और आपको बार बार, वो तो किसी आदमी ने डलवाए थे। मैं बोला नहीं आदमी, आप ऐसा मत बोलो, आदमी ने डलवाए, वो परमात्मा ने डलवाए। मैं कह कोई बात नहीं, आप एक बार जाकर देखो तो हमारा ये यहाँ का छूट जाएगा, जो भी हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं। वो बोलने लगी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला आप ज़बरदस्ती की, मैंने कहा कोई बात नहीं आप एक बार जाओ। जैसे ही वो गई वहाँ पे एंट्री करवाई, उसका मन तो नहीं था, जैसे एंट्री करवाई तो उसमें भी भगत जी 5,000 रुपये आ गए। तो वो वहाँ पे उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचा हो गया, और बोलने लगी सचमुच, वो दोबारा पूछने लगी उससे, भई ये जैसे ही एंट्री करवाई भाई कितने पैसे है, कहता मूर्ख समझ रखा है जाओ यहाँ से। तो जैसे ही वो आई, आती ही उसने मेरी पत्नी ने मालिक के आगे प्रणाम की, संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो के आगे प्रणाम की, और मेरे गले से लग गई, कहते भाई वाकई में आज मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि आपके सतगुरु जो परमात्मा हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पथरी ठीक हो गई, आपका माइग्रेन ठीक हो गया, बहुत सारे लाभ आपको मिले, और उसी दौरान आपने बताया कि आश्रम में हाहाकार भी मच जाता है, इतने सारे लोग वहाँ पर परेशान होते हैं, खुद संत रामपाल जी महाराज जेल में चले जाते हैं, आप भी उनके साथ जेल में चले जाते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो संत इतने सारे लोगों को लाभ दे रहे थे तो फिर वो जेल में क्यों गए? ये देखो प्रशासन की मिली भगत थी, प्रशासन मीडिया, क्योंकि दूसरों की जो ये हमारे गुरुजी जो ज्ञान दे रहे हैं इनसे उनकी दुकानदारी जो है बंद हो रही है। उन्होंने झूठ का जो बोलबाला चला रखा है, हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं और वो हर एक को चुभता है, इनको चुभता है, पर हमको उससे लाभ मिलता है जी। मेरे को भक्ति मिली, उस भक्ति से मेरे को वो पावर भी मिली, मेरे साथ कई चमत्कार भी हुए। जैसे मेरा लड़का था तो नाम दीक्षा लेने के 2 महीने बाद ही मेरे लड़के की हड्डी टूट गई, जो पेटी से और बेड की तरफ जंप लगा रहा था, तो उसका पैर जो है, पांव जो है, वो बेड पे नहीं टिका, जो नीचे चला गया, एकदम से आवाज़ आई, तो उसकी माँ परेशान हो गई। इतने में मैं जैसे घर पे आया चाय पीने के लिए, दुकान से मजदूरी करता हूँ, तो मैंने देखा भी मेरी पत्नी रो रही है। मैंने बोला तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी जी मैं आपको एक बात बोलूँ, आप गुस्सा मत मानना। मैं कहा गुस्से वाली बात तो मैं गुस्सा भी मानूंगा। कहती नहीं नहीं पहले आप ये वचन भर लो। मैं कहा कोई बात नहीं, नहीं मानूंगा, क्या बात हो गई? कहती अपना कृष्णा है ना जो वो ऐसे से जंप लगा रहा था और उसकी हड्डी में बहुत आवाज़ आई है और हड्डी टूट गई है, और ऐसे से मेरे से वो लिपटने लगी, कहने लगी मेरे बच्चे को बचा लो नहीं तो मैं जान दे दूंगी, ऐसे ऐसा मैं मेरे बच्चे के बगैर रह नहीं सकती। मैं कहा कोई बात नहीं तू परेशान ना हो। इतने मेरे भी वाइब्रेशन इस हिसाब से लग गई, मैं भी कांपने लगा, और मैं जैसे बच्चे के पास गया, मैंने पूछा बेटे क्या बात हो गई? मैंने जैसे गाल पे उसके हाथ रखा, वो बोलने लगा पापा मैं ठीक हूँ। वो डर गया था कहीं पापा मेरे को मारे ना। मैंने कहा फिर तू ठीक है तो खड़ा हो। कहता पापा मेरे से खड़ा नहीं हो जाता। तो इतना मैं देख कर मैं फिर और ज़्यादा कांपने लगा। मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मैं जोत लगाता हूँ अपने गुरु जी की। मैंने जैसे कहा मैं कहा परमात्मा आप समर्थ हो, आप मेरे माताओं पिताओं सब कुछ आप हो परमात्मा। मैंने जब से आपसे नाम दीक्षा ली है मेरा परिवार भी मेरे से रूठा हुआ है, और भाई ऐसे ऐसे बात है, अगर ये बात हो गई तो मेरा सभी मजाक उड़ाएंगे, मालिक मेरे को बचा लो आप और मेरे बच्चे को सही कर दो आप। जैसे ही मैंने जो प्रसाद है, जल प्रसाद है, मैंने बच्चे को दिया और उसके बाद मैं आ गया, और मेरी पत्नी मेरे से लिपट कर रोने लगी मेरे बच्चे को बचा लो। मैं कोई बात नहीं मैं 5,000 रुपया ब्याज पे ले लूँगा और इसको यहाँ हमारे डॉक्टर है वहाँ पे मल्ली डॉक्टर और उसको दिखा लूँगा। कहती आप किससे लोगे 5,000? मैं कहा हमारे यहाँ बंटी है कोई लड़का जो फाइनेंस का काम करता है उससे ले लूँगा। वो कहते उसने नहीं दिए तो
मैं कह एक और है प्रभदयाल जिसको पिद्दी वगैरह कहते हैं और उससे ले लूँगा। कहते उसने भी नहीं दिए। मैं कह मैं बच्चे की हालत दिखा लूँगा, उसके पैर पकड़ लूँगा, दे देगा सब दे देगा। कहते कोई बात नहीं, आप दे दे, पता नहीं कितना समय लग जाए, आप एक फुलका खाते जाओ। मैं कह नहीं नहीं मैं नहीं खाऊँगा, हालत बच्चे की ऐसे फुलका मैं कैसे खा लूँ। तो मेरी पत्नी कहने लगी आप एक फुलका तो खा लो, एक रोटी तो खा लो। जैसे ही वो ज़बरदस्ती तोड़ के मेरे मुंह में पाने लगी तो इतने में बच्चा जो मेरा वो उठ के आ गया, कहने लगा पापा मैं भी खाऊंगा आपके साथ ये रोटी। मैंने कहा बेटे तू तो उठ भी नहीं सकता। वो जंप लगाने लग गया और कहने लगा देख पापा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी आँखें भर आई और मैंने बच्चे को गले से लगा लिया। मैंने कहा बेटे तू ठीक है। मैंने सारे तरफ देखा तो एक पाँव में तो उसके स्वेलिंग थी और एक पाँव उसका नॉर्मल था। तो मैंने देखा दोनों पाँव नॉर्मल हो गए। तो मैंने तभी संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करी और कहा परमात्मा आप साकार हो, आप जैसा कोई नहीं है धरती दुनिया पे, मेरा आप में और भी विश्वास है जो ज़्यादा दृढ़ हो गया है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखो भगत समाज को तो क्या मेरी औकात है जी मैं संदेश दूंगा। बस मेरी सभी भाई बहनों से विनती है कि मानस जन्म जो है दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता जो टूट गिरे बोर ना लगता डार, ये जन्म बार बार आपको नहीं मिलेगा, ये संत नहीं मिलेंगे, माता पिता आपको हर बार मिल जाएंगे, हर जन्म में मिल जाएंगे, पर ये साधना ये भक्ति ये और ये तत्वदर्शी संत जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं ये आपको फिर कभी नहीं मिलेंगे। जी धन्यवाद जी सत साहिब जी।